वायरिंग काटता है तो ढूंढने से भी नहीं मिलता, उसका डैशबोर्ड वगैरह सारा खोलना पड़ता है हमको। हेलो गाइस, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। गाइस मैं बात करूँगा टाटा टियागो के ऊपर, तो गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगा वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा, और मैं इसको क्यों खोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे कि मेरे वीडियो देखेगा तो फुल आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों खोल रहा हूँ। तो आपके पास भी टाटा का गाड़ी है या फिर कोई भी गाड़ी है, तो आपको क्या चीज़ से बचाना होगा जो आपको जो ना आपकी गाड़ी लंबा टाइम चले, आपकी गाड़ी अच्छा रहे। तो मैं फ्रेंड्स आपको लेकर चलता हूँ अंदर। जैसे कि मेरे पास देख सकते होंगे हाथ में मेरा ये कागज़ का पूरा टुकड़ा है, तो क्यों कहाँ से आया गाड़ी में वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, और क्या क्या मेरे को खोलना पड़ा वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा होता है तो फ्रेंड्स आप ज़रूर पहले करवा लेने, तो आपकी गाड़ी भी पूरा गंद मारेगा और आपकी गाड़ी पूरा ख़राब मतलब पूरा ना वायरिंग कट कट देगा, तो वहीं पे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि मेरे को यह रेक्सिन और मेट वगैरह सारा खोलना पड़ा, सीट और आपका ऐसे कंट्रोलर साइड बीट वगैरह जितना भी होता ना सारा फेवर आइटम अंदर का सारा खोलना पड़ा मेरे को। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम हुआ था कैसे, गाड़ी जो ना काफ़ी दिन तक गाड़ी खड़ी रह गई और गाड़ी में चूहा लग गया था। ठीक है, तो अंदर में जो ना इसका चूहा अपना घर बना लिया, पूरा छोटा सा घर नहीं बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 10-12 चूहा बस गए थे। जैसे कि देख सकते होंगे चूहा साइड बीम जितना भी अंदर में बीम है ना 36 में, वो सारा जो ना बॉडी में जितना भी छेदा वो रहते हैं मतलब सारा वहाँ पर ढुक ढुक के वो अपना घर बना लिया। तो फ्रेंड्स देख सकते होंगे वायरिंग वगैरह वह बहुत काटा है, तो मैं वायरिंग को इसको रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ वायरिंग काटा है मैं रिपेयर कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो रिपेयर करने के बाद मैं इसमें सारा चीज़ फिटिंग करूँगा। ठीक है, तो आपकी गाड़ी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स तो आप शोरूम तक जाएं या फिर कहीं पे भी आप अच्छे से काम करवा लें फ्रेंड्स। जैसे कि मेरा वायरिंग वगैरह रिपेयर हो गया और मैं इसका जो ना बताऊँगा कि इसका ऊपर में कितना कितना चीज़ खोलना पड़ा। जैसे कि मेरे को देख सकते होंगे ये आपका जो ना ऊपर है ये खोलना पड़ा। ठीक है, साइड में खोलना पड़ा और ये वायरिंग को मैं रिपेयर कर लूँ। रिपेयर करने के बाद मैं रिएक्शन लगाऊंगा, कम्बल लगाऊंगा, उसके बाद रिएक्शन लगाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं कम्बल लगा रहा हूँ इसमें फ्रेंड्स, मैं कम्बल लगाते हुए आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी भी अगर काफ़ी टाइम से लंबा आपको कहीं पार्किंग करना है तो उसको कवर नहीं करना है आपको। जहाँ पर पार्किंग गैराज में पार्किंग करते हो वहाँ पर आपको लाइट जला के रखना है। अभी ठंडी का टाइम है, ठंडी का टाइम में ज़्यादा चूहा घर में लगेगा। ठीक है, गाड़ी में लगेगा, गाड़ी हो या घर में हो कहीं पर भी चूहा ज़्यादा लगता है ठंडी में, वो अपना सुरक्षित जगह ढूंढता है। ठीक है, तो आपको जो ना गाड़ी पार्क करना है तो आपको जो ना अच्छी जगह देख के लगाना है, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हो तो कोई नुकसान ना हो। आपकी गाड़ी में तो इंसान टच नहीं करेगा ना आपकी गाड़ी में कोई ठोकने के लिए आएगा, तो आपकी गाड़ी में नुकसान होगा तो चूहा से या फिर कोई ऐसा जानवर से। ठीक है, तो वो सब वो चीज़ से आपको बताना। बहुत सारा एक्सप्रे वगैरह मिलते हैं, दवाई मिलते हैं, जैसे कि आपका वो कैप्सूल वगैरह मिलते हैं गाड़ी के अंदर रख दिए, और काफ़ी दिन के लिए अगर पार्किंग करते हैं तो इंजन के साइड में गाड़ी के अंदर में वो कैप्सूल वगैरह रख लेते हैं तो अच्छा रहता। तो फ्रेंड्स मैं बाकी का सारा चीज़ फिट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं चार्जिंग पॉइंट फिट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यूएसबी वाला ये फिट करूँगा केबल, उसके बाद मैं इसी कंट्रोल लगाऊँगा, उसके बाद मैं सारा चीज़ इसका फिट करूँगा, फिट करके मैं दिखाऊँगा फ्रेंड्स। जैसे कि मैं फिट कर रहा हूँ, तो मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में बनाने का मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं या फिर आपका लंबा टाइम मैं लूं, तो आपका भी लंबा टाइम लेना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आप भी गाड़ी पार्किंग करते हो, मैं बहुत सारा गाड़ी ठंडी में ऐसा काम कर चुका हूं, तो मैं सोचा एक वीडियो में इसमें बना ही लेता हूं ताकि कस्टमर देखे या फिर कहीं से भी ऑडियंस देख के उसको रखने के लिए सीख जाए। तो फ्रेंड्स ठंडी में आपको जो ना चूहा से ज़्यादा बचाना, ठीक है, गाड़ी को ऐसा नहीं कि आप इसमें जो थोड़ा वाला वायरिंग काटा हुआ ऐसा कोई कोई केस ऐसा आता है ना कि उसका तो इसमें डैशबोर्ड तो मैं खोला नहीं हूँ क्योंकि इसमें डैशबोर्ड खोलने का नौबत नहीं आया। ठीक है, अगर इसके अंदर चूहा घुस के रहता या फिर वहाँ का वायरिंग काट देता तो चेक लाइट आ जाता, चेक लाइट आता तो मेरे को डैशबोर्ड भी खोलना पड़ता। ठीक है, तो मैं सारा वायरिंग चेक कर लिया हूँ, उसके बाद मैं अंदर में मेरे को पता चला कि यहाँ पे वायरिंग काटा हुआ है, इसके अंदर में बहुत सारा इसका लेटिंग वगैरह था, तो मैं पूरा इसको हवा से क्लीन कर दिया, उसको वॉश करवा दिया, उसके बाद मैं फिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको भी चूहा से बचाना है तो अच्छी जगह में पार्क करें, और जो है ना इसमें अगर लंबे दिन के लिए पार्क कर रहे हैं तो इसमें कैप्सूल वगैरह डाल दें ताकि उसका महक से अंदर में चूहा ना आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फ्रेंड्स जैसे कि मैं फिट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ,
तो फ्रेंड्स मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप एसी कंट्रोल लगा रहा हूँ, तो एसी कंट्रोल मैं लगा लूँगा इसका। जैसे कि ये कपलर आराम से लगाना रहता है, इसमें लॉक रहता है, ठीक है, आराम से कपलर लगा देना। उसके बाद आपको जो ना हीटर का और ये जैसे कि वॉल्यूम वगैरह होता है ना हीटर का, वो लगाना है, आपका जो ना फैन का वायर लगाना है, ठीक है। ये फैन वगैरह आराम से लगाना, प्लास्टिक का लॉक रहता है, इसमें टूट ना जाए। तो आप अगर खोलते हैं तो आपको लगाना होगा, अगर आप कहीं खुलवाते हैं कहीं तो वो तो खुद लगा लेगा, ठीक है। जैसे मैं फिट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, फिट करने के बाद मैं फिर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते होंगे ये एसी कंट्रोलर है, इसको आराम से लगाना, मतलब लॉक वगैरह रहता है, इसको ठोकने से थोड़ा सा मतलब सेंटर मिला के ये लॉक हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको जैसे फिटिंग करके मैं दिखाऊंगा, और आपको जो ना ये आपको चूहा से बहुत बचाना है तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं इसका जो ना पूरा काम करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मेरा हो गया और मैं इसका टेस्ट ड्राइव करूँगा, वॉशिंग करवाऊँगा, उसके बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स मेरे वीडियो में लगे रहिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स मेरे पास पूरा वॉशिंग करके टेस्ट ड्राइव करके मैंने इसका चेक कर लिया और मैं इसका पूरा फिटिंग कर लिया हूँ और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको दिखाऊँगा कि मेरे इग्निशन ऑन हो रहा है या फिर सीट वगैरह सब एडजस्टमेंट है कि नहीं, सेलिंग वगैरह सारा कुछ, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा चल रहा है या नहीं चल रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, मैं जो वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास जाए। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो ना टाटा का आपके आप सब्सक्राइब कर तो आपके लिए भी फ़ायदा, आपके पास अगर टाटा का गाड़ी है तो अपडेट न्यू अपडेट आपके पास आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स के जरिए कुछ पूछ भी सकते हो और मेरा नंबर मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से हमको कॉल भी कर सकते हो। कोई भी टाटा के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं बताऊँगा आपको, ज़रूर मैं हेल्प करूँगा, ठीक है, जहाँ तक हो मैं हेल्प करूँगा। फ्रेंड्स मेरे वीडियो अगर आप पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएँ, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ, आप देखें जाके और सीखें। तो फ्रेंड्स अपने अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। फ्रेंड्स अब तक मेरे वीडियो में आप बहुत लाइक सब्सक्राइब किए हो, फ्रेंड्स मेरे वीडियो में बहुत टाइम आप लोग दिए हो, तो उसके लिए मेरे लिए उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो में जाएँ, वीडियो देखें, आपको समझ में आया तो लाइक करें, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, अगर कोई भी आपको डाउट चल रहा है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह चला चला के दिखाता हूँ, और आपके पास कोई भी टाटा का गाड़ी हो, टाटा नेक्सॉन, टिगोर, अल्ट्रोज, हैरियर, सफारी वगैरह कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपके लिए, जय हिंद, टाटा।